हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिटी क्रॉप एग्रो के आईपीओ के बारे में ये बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि लगभग 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी का पहले अगर हम नाम की अगर हम बात करेंगे तो पहले भाग्य एग्रो के नाम से ये कंपनी हमें जानी हुई नजर आती थी, लेकिन अगर हम अभी कंपनी के नाम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जिस नाम से कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो नाम है सिटी क्रॉप एग्रो लिमिटेड करके हमें यहाँ पे कंपनी का नाम नजर आता है। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये कंपनी जो है ये हमें ट्रेडिंग प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे राइस, व्हीट, ओनियन, पोटेटो, टोमेटो और इसबगोल और पल्सी, ये इनकी ट्रेडिंग के नाम यहां पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो मैन्युफैक्चरर छोटे हैं, उनसे यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को लेकर फिर उसे कंपनी आगे सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यानी कि जो नॉर्मली सपोज अगर आलू प्याज का अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उससे कंपनी पहले प्रोडक्ट को ले लेती है, फिर उसके बाद में जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर छोटे हैं, उन्हें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होती है, उतनी कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाती है, फिर उसे कंपनी सेल करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे कंपनी का कोई कैपेक्स नहीं है, यानी कि कंपनी की खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपनी की यहाँ पे सारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। लेकिन देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट मेरे ख्याल से ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा ये बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी कुछ नया चीज़ यहाँ पे हमें बेचती हुई नजर नहीं आ रही है। जो आलू प्याज चावल वगैरह होते थे, ये अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे कोई पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनी को जैसे ब्रांड नेम लगा के आलू प्याज टमाटर बेचेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। अगर हम कंपनी के लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ की ये अभी कंपनी हमें नजर आती है, तो देखिए अहमदाबाद बेस्ड हमें ये कंपनी नजर आती है और हार्डली 8 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, ये बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि अगर आपको रोज अगर आपका रोलिंग ही आपको करना है, यानी कि अगर सपोज अगर आपने आज 15 करोड़ का अगर आपने आज क्या कहते हैं कि पूरा आपने प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसको आपको सेल ही करना है आगे जाके। अगर वो अगर आपने आगे सेल किया और अगर आपको आगे से पेमेंट नहीं आया, तो आपको पूरा वहाँ पे रोलिंग अटक जाएगा और आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरे बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रहेगा, उतना ज्यादा ये बिजनेस हमें ग्रोथ होता नजर आएगा। और जिस दिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे इश्यू हो जाएगा, तो वहाँ पे कंपनी को यहाँ पे मार्केट से पैसा रीज करना पड़ेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वर्किंग कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ लेकर आना चाहिए। लेकिन देखिए बियॉन्ड पॉइंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा इससे कंपनी को आरओआई यहाँ पे हमें करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए कपिल कुमार हसमुख भाई शाह में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और शीतल कुमार कपिल कुमार शाह, ये दोनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2021 में लगभग 3 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2022 में लगभग 17 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में हार्डली 9.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 18-19 करोड़ का यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर उसके बाद में ये नंबर में 48 लाख रुपीज होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 महीने में कंपनी ने 61 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया, जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे क्लियर कट हमें यहाँ पे रेड अलर्ट ये हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 17 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 50 लाख का प्रॉफिट भी नहीं कमाया था, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हार्डली 9 करोड़ पे कंपनी का यहाँ पे 12 लाख से प्रॉफिट का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एकदम से अभी ऐसा क्या होगा कि जो कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, जबकि रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नंबर हमें इतना ज्यादा यहाँ पे ये नंबर को हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हम देखेंगे लगभग 9.5 करोड़ पे सिर्फ 60 लाख के लगभग का कंपनी का हमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, यानी कि हार्डली 6 से 7% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे कंपनी को बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कंपनी की बढ़ेगी और हमें मार्जिन यहाँ पे जो कंपनी का डाइल्यूशन है वो हमें जो कंपनी का मार्जिन है वो हमें और कम होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 29 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ₹25 पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 6000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ₹1.5 लाख आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, तो मेरे हिसाब से लगभग 7 करोड़ से 7.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आएगा। और उसके अलावा बाकी का जो HNI कोटा है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। और ये जो कंपनी हमें BSE SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है 6 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 9 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 10 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे जब कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग 10 से 11 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 40 करोड़ का मार्केट कैप है इतना ये नहीं समझना चाहिए, लेकिन इस साल की अगर मैं 1 करोड़ की, यानी कि अभी कंपनी ने 6 महीने में लगभग 60 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने बताया, तो अगर मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट अगर मैं कंपनी का मान के चलता हूँ तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 40 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए और अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का हमें नजर नहीं आता है। कुछ ऐसा नहीं है कि अभी 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो अगले साल एकदम से 2.5-3 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की होती नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कहीं ना कहीं जो कंपनी के वैल्यूएशन के नंबर है वो हमें यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव नजर आते हैं। और लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 40% की जो कंपनी की इक्विटी है वो हमें यहाँ पे डाइल्यूट होती हुई नजर आएगी। यानी इसके बाद प्रमोटर्स के बाद में हार्डली 60% का हमें यहाँ पे टेक बढ़ता हुआ यहाँ पे, यानी कि आफ्टर अगर हम आईपीओ अगर हम बात करेंगे हार्डली 60% के लगभग का जो स्टेक है हमें प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे नजर आएगा। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो अगले हफ्ते अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा हमें SME आईपीओ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी के जो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छे बिजनेस मॉडल है, लेकिन अगर हम इस बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा डिमांड आईपीओ की हमें देखने को नहीं मिलेगी, और लिस्टिंग के दिन यहाँ पे कोई ज्यादा बायर भी नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल यहाँ पे नजर नहीं आता है कि यानी कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर कुछ ये अनोखा यहाँ पे कंपनी का हो, यानी कि ये कंपनी हमें 1000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी बनती हुई नजर आ सकती है या फिर 200 करोड़ के मार्केट कैप में। क्योंकि देखिए अगर 200 करोड़ का मार्केट कैप अगर ये कंपनी को करना है और अगर मैं लगभग 20 का पी रेशियो भी अगर ये कंपनी का मान के चलता हूं तो लगभग 10 करोड़ ये कंपनी को कमाने पड़ेंगे, और 10 करोड़ के लिए लगभग यहाँ पे 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी को करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे टर्नओवर को बढ़ा के यहाँ पे किया जा सकता है। और इतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफी टफ कॉम्पिटिशन है, तो कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, और यहाँ पे करंटली कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें ये कंपनी का नजर नहीं आता, तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सिटी क्रॉप्स एग्रो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।